कि आज का जो हमारा विषय रहेगा आपके पाठ्यक्रम में जो कविता नंबर 4 है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित वे आंखें जो कविता है, इस कविता पर ही आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन वृतांत जान लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन है उसे हम अच्छे से बारीकी से देखेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक हिंदी कवियों में पंत जी का श्रेष्ठ स्थान है और पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण दादी बुआ और पिताजी की देखरेख में हुआ। पिताजी की आरंभिक शिक्षा पंजी की आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और सन 1919 में पंजी शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद मयूर सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गई है। इन्होंने असहयोग आंदोलन से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इस तरह से गांधी जी के साथ इन्होंने ऐसे आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस तरह से पंत जी ने जो छंद रचना है, छंद रचना यानी कि चौथी कक्षा में ही आरंभ कर दी थी, यानी कि कविता लिखनी इन्होंने चौथी कक्षा से ही शुरू कर दी थी। लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म कॉलेज से शुरू हुआ और इस तरह से सन 1938 में रूपाब नामक जो पत्रिका है ये पत्रिका इन्होंने निकाली, जिसके प्रगतिशील साहित्य के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। सन 1950 से 1957 तक ये आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता के रूप में रहे और पंत जी को सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और पंत जी का जो निधन है सन 1973 में पंत जी का निधन हो गया। अब अगर टोटल पंत जी के जीवन के संदर्भ में जाने तो पंत जी आते हैं आधुनिक युग में छायावादी दौर के अंदर। छायावादी दौर कब शुरू हुआ? 1918 से 1935 तक का जो दौर है उसे छायावाद के नाम से जाने जाते हैं, उसे छायावाद के नाम से जानते हैं। और ये जो दौर है इस दौर में 4 महान साहित्यकारों के नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और चौधरी महादेवी वर्मा, इन 4 महान साहित्यकार के नाम छायावादी युग में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, बहुत ज्यादा जाने जाते हैं छायावाद के दौर में। ठीक है, पंत जी की जो रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, श्रवण दोली, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, इनके अतिरिक्त शिल्पी, रजत शिखर और सौवर्ण। इनका एक ही उपन्यास था हार और कहानी संग्रह है 5 कहानियां। अगर काव्यगत विशेषताएं देखें तो पंत जी प्रकृति वर्णन, पंत जी ने प्रकृति को, पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं और प्रकृति को ही इन्होंने अपनी माँ, जननी सब कुछ माना है। ठीक है, तो पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ये स्वयं भी लिखते हैं, कविता लिखने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से ही मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्माचल प्रदेश को है। प्रकृति ने इनको कल्पना भावना और सौंदर्य अनुभूति प्रदान की है।
प्रकृति प्रेम उनके स्वभाव का एक अलग ही अंग रहा है। इन्होंने प्रकृति को जड़ न मानकर चेतन माना है। कवि ने उसमें प्रेयसी का भी रूप देखा है। यही कारण है कि उनकी कविता में प्रकृति के सुकोमल, सुकुमार और रमणीय चित्र मिलते हैं। उनकी बादल, संध्या, एक तारा, परिवर्तन आदि जो रचनाएं हैं, इन सभी में प्रकृति के असंख्य चित्र देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी काव्यगत विशेषता है प्रेम और सौंदर्य का उद्घाटन। पंजी मूलतः छायावादी कवि है, ये मैंने आपको पहले बताया है, और इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का समुचित उद्घाटन है। कवि प्रकृति से प्रेम करते हुए भी दिखाई देते हैं और मानव से भी, और कहीं ना कहीं ईश्वर से भी। जगत और प्रकृति के विशाल आंगन में कवि अनेक प्राकृतिक उपकरणों द्वारा अपनी सौंदर्य भावना को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सौंदर्य वर्णन में कवि की व्यक्तिता, प्रेम संबंधी अनुभूति कई स्थलों पर दिखाई देती है। ठीक है भाई। तीसरी काव्यगत विशेषता है स्वानुभूत सुख दुख की अभिव्यक्ति। पंजी के काव्य में स्वानुभूत सुख दुख की अभिव्यक्ति भी दृष्टिगोचर होती है। पंजी की यही विशेषता है कि वे अपने काव्य को निजी सुख दुख के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। चौथी काव्यगत विशेषता मानवतावाद। पंजी के काव्य का स्वर मानव मन और मानवतावाद की ही आवाज है। कवि अपने स्वर को जाति, धर्म, देश और काल के बंधनों में कैद नहीं करना चाहते, बल्कि समूची मानव जाति की मंगल की कामना करते अपने स्वरों में। ठीक है। और इनके काव्य का मुख्य विषय ही मानव रहा है। पंजी के काव्य का मुख्य विषय क्या रहा है? मानव। पांचवी जो काव्यगत विशेषता है अध्यात्मवादी दृष्टिकोण। पंजी कार्ल मार्क्स से काफी प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स जो पाश्चात्य साहित्यकारों के रूप में जाने जाते हैं, और जो प्रगत जिन्होंने शोषण का भी विरोध किया है, पूंजीपति वर्ग का विरोध किया कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। ठीक है भाई। काफी प्रभावित हुए और प्रगतिवाद की और उनका झुकाव भी देखने को मिलता है, लेकिन वे गांधीवाद की ओर भी आकर्षित है। गांधीवाद के, गांधी जी के विचारों से भी काफी प्रभावित हुए है सुमित्रानंदन पंजी। इसलिए उन्होंने कुछ कविताएं गांधी जी के सम्मान के रूप में भी लिखी और उनके परवर्ती काव्य पर सर्वाधिक प्रभाव अरविंद दर्शन और भारतीय उपनिषदों का भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पंजी की बात शैली की। पंजी ने अपने निरंतर प्रयासों से खड़ी बोली को सजाया है और संवारा है, और काव्य के कला पक्ष को नई क्रांति प्रदान करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं पंजी की बात शैली के संदर्भ में? कि पंत की कला का विश्लेषण करना कठिन है। उनकी रंगीन कला इतनी कोमल है कि विश्लेषण करते ही तितली के पंखों की भांति बिखर जाती है। पंजी वाणी के सम्राट हैं और शब्दों की आत्मा का उनको सही ज्ञान है। कब, कहां और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, इसका उन्हें समुचित ज्ञान है पंजी को। ठीक है। उनकी भाषा परिमार्जित, कोमल और संगीतमय है। उनके काव्य में प्रसाद और माधुर्य गुणों की प्रधानता देखने को मिलती है। अलंकारों का प्रयोग पूर्णतः सहज और स्वाभाविक रूप में पंजी ने किया है। उन्मुक्ति, प्रकाश, विप्सा, श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक आदि अलंकारों के साथ साथ कवि ने मानवीकरण अलंकार का भी सुंदर और सफल प्रयोग किया है। उनकी भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर इन्होंने भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर मात्रिक छंद का अधिक प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, और कहीं कहीं मुक्तक छंद और अंग्रेजी के छंदों का भी प्रयोग किया है कवि पंत ने। ठीक है भाई। ये था सुमित्रानंद पंजी का जीवन वृतांत। अब
ये जो कविता आपके पाठ्यक्रम में, वे आंखें इस कविता का सारांश जान लीजिएगा। वे आंखें पंजी की एक प्रगतिशील रचना है। इसमें विकास के विरोधी भाषी अवधारणाओं पर पंजी ने करारा व्यंग्य किया है। पंजी बताते हैं कि आजादी के बाद भी किसान की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। आज का किसान गुलाम न होकर आजाद है, लेकिन उसे आज भी जमींदारों और महाजनों के शोषण को सहन करना पड़ता है। समाज उसके दुख व पीड़ा को बांटने की अपेक्षा उसे दरकिनार कर उसका तमाशा देखता है। किसका तमाशा देखता है? किसान का। ठीक है, इस कविता में ऐसे ही शोषित एवं पीड़ित एक किसान के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन कवि पंत ने सुंदर तरीके से किया है। कवि पंत ने बताया कि किसान की आंखों में कमजोरी व करुणा के भाव भरे हुए हैं। उसकी आंखों में अपने हरे भरे लहलाते खेतों की तस्वीर है, जिनको उसने अपने खून पसीने से अच्छी प्रकार से सिंचित किया है। लेकिन अब उसे अपने खेतों से, उस किसान को अब अपने खेतों से क्या कर दिया है? बेदखल कर दिया है। और महाजन ने उसके सुंदर व स्वस्थ बैलों की जोड़ी को भी बेच दिया है। यानी कि महाजन ने क्या कर दिया? उसके बैलों को भी बिकवा दिया है। और जमींदार ने उसके जवान बेटे को कारिंदों से इतना पिटवाया कि उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। और इस तरह से किसान की पत्नी दवा की कमी के कारण मर गई। किसान की पत्नी को पत्नी की अच्छे से देखभाल नहीं हुई और किसान की पत्नी को जब दवाई की आवश्यकता थी तो दवाई न मिलने की वजह से किसान की पत्नी मर जाती है। और उसकी जो छोटी सी बच्ची है, दूध मुही बच्ची, उसकी अच्छे से देखरेख नहीं होती और न ही उसे, उस छोटी सी बच्ची को क्या मिलता है? दूध मिलता है, उचित रूप से दूध मिलता है। वो छोटी सी जो बच्ची है, दूध मुही बच्ची भी क्या करती है, किस वजह से? उस बच्ची की देखरेख व दूध की कमी के कारण वो बच्ची भी चल बसती है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और इस तरह से किसान की जो विधवा पुत्रवधु है, वो किसान की पुत्रवधु भी कोतवाल की दृष्टि, कोतवाल उस पर, किस पर? किसान की विधवा पुत्रवधु पर अपनी कुदृष्टि डालता है और उसे अपनी कुदृष्टि का शिकार कर लेता है। इसको अपनी कुदृष्टि का शिकार बना लेता है कोतवाल किसान की विधवा पुत्रवधु को। और इस तरह से वो जो विधवा पुत्रवधु है, वो कोतवाल की कुदृष्टि का शिकार होकर क्या करती है? कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है। और इस प्रकार जीवन के दुखों से उत्पन्न जो पीड़ा है, उस पीड़ा को ढोने के लिए किसान इस संसार में अकेला रह जाता है। बीते सुखी जीवन को याद करके उसकी आंखों में कुछ समय के लिए चमक आती है, लेकिन वास्तविकता का अनुभव होते ही उसे, जब जैसे ही रियलिटी का पता चलता है उस किसान को, उस रियलिटी का पता चलते ही ये यादें उसकी पीड़ा को और भी ज्यादा गहरी कर देती है। इस प्रकार कवि ने भारतीय किसान के जीवन का दुखमय चित्र इस रचना के माध्यम से अंकित किया है, प्रकट किया है, उद्गृत किया है। ठीक है भाई, ये इस कविता का सारांश है। इसमें टोटल किसान की दयनीय स्थिति के, उसकी दुख में जो जीवन है किसान का, उसके संदर्भ में बताया कवि सुमित्रानंदन पंजे ने। ठीक है, तो शुरू करते हैं कविता। वे आंखें अंधकार की गुहा सीखी उन आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। बड़ा दूर तक उनमें दारुण
दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझदार आज संसार कगार से दृश्य बह खिसका। अब ये जो काव्यांश है, इस काव्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जान लीजिएगा। गुहा, गुहा क्या होती है? जो गुफा होती है, अंधेरी गुफा को गुहा बोलते हैं। श्रीखी, श्रीखी का मतलब होता है समान, इक्वल, बराबर। दारुण, दारुण का मतलब होता है जो डरावनी होती है, भयानक जो होती है उसको दारुण बोलते हैं। दैन्य सुख, दैन्य दुख, सुख नहीं, दैन्य दुख, दैन्य दुख यानी कि दीनता और पीड़ा, दीनता यानी कि कमजोरी, गरीबी और उसकी जो पीड़ा है। नीरव, नीरव का मतलब होता है मौन, चुप, साइलेंट रहना। रोदन, रोदन का मतलब होता है रोना। स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, आजाद। अभिमान, अभिमान का मतलब हो गया गर्व महसूस करना, अभिमान होना, गर्व महसूस करना। मंझदार, मंझदार होता है समस्याओं के बीच में छोड़ देना। मंझदार क्या होता है? समस्याओं के बीच में छोड़ देना। कगार, कगार का मतलब होता है किनारा। सदृश, सदृश होता है समान। बह खिसका, बह खिसके का मतलब होता है चल बसना, और चला जाना या छोड़ देना या चल बसना। ठीक है, अब प्रसंग देख लीजिएगा इस कविता का। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक में संकलित वे आंखें नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंजी हैं। इस कविता में कवि ने आजादी से पहले और आजादी के बाद के भारतीय किसान की दैन्य व पीड़ित जीवन का सजीव चित्र अंकित किया है, और कवि ने किसान की आंखों में झांकते हुए उसके पीड़ा को अनुभव करते हुए ये जो शब्द हैं, ये वे आंखें नामक जो रचना में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, ये शब्द कवि ने लिखे हैं। ठीक है भाई, अब इस कविता का सारांश देखिएगा। अंधकार की गुहा श्रीखी, अगर इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या बन जाएगा? अंधकार की गुहा श्रीखी, उन आंखों से डरता है मन। कवि ने भारतीय किसान के विषय में लिखते हुए कहा है, कवि बताते हैं कि अंधकार की गुहा श्रीखी, कि उस किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान लग रही हैं, कि मुझे उस किसान की जो आंखें हैं, मैं जब उस किसान की आंखों को देखता हूं तो वो उस किसान की आंखें मुझे किसके समान लगती हैं? एक अंधेरी गुफा के समान लगती है। उन आंखों से डरता है मन, और वो अंधेरी गुफा के समान, वो जो किसान की आंखें हैं, उन किसान की, उस किसान की आंखों को जब कवि देखता है तो कवि को वो किसान की आंखें जो अंधेरी गुफा के समान हैं, वो डरावनी लगती हैं। वो क्या लगती हैं? डरावनी, वो आंखें डरावनी लगती है। क्यों डरावनी लगती है? क्योंकि जिस प्रकार से अंधेरी गुफा में झांकने से मनुष्य को डर लगता है, उसी प्रकार किसान की जो आंखों में देखने से भी कवि को, कवि के मन में भी क्या पैदा हो जाता है? डर पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? डर पैदा हो जाता है। क्यों डर पैदा हो जाता है, अब आगे बताया जाएगा। बड़ा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, क्योंकि किसान की उन गुफा के समान आंखों में दुख, दर्द, निराशा
और शोषण से पैदा होने वाली जो पीड़ा है उस पीड़ा के सिवाय उन आंखों में कुछ भी नहीं है। उन आंखों में क्या क्या विद्यमान है दोबारा सुन लीजिएगा, जो गुफा के समान डरावनी आंखें है किसान की, उन डरावनी आंखों में कवि को क्या क्या दिखाई देता है, किसान की उन डरावनी आंखों में कवि को क्या दिखाई देता है, दुख, दुख दिखाई देता है कवि को, किसान का, कवि को निराशा दिखाई देती है, कवि को शोषण से पैदा होने वाली जो पीड़ा उस किसान ने झेली है वो कवि को उन आंखों में, उन डरावनी आंखों में वो पीड़ा दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए आगे, क्योंकि कहने का तात्पर्य ये है कि उन आंखों में गरीबी का जो दुख है और उस गरीबी से पैदा होने वाली जो पीड़ा है वो सभी कुछ उन आंखों में समाया हुआ है। कवि ऐसा मानते हैं, कवि ने ऐसा किसान की आंखों में देखकर ये बातें बताई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज संसार का गार सदृश बह खिसका। अब आगे देखिएगा, वह स्वाधीन किसान रहा, और इस तरह से भारतीय किसान कभी किसी समय स्वाधीन और स्वावलंबी भी रहा है, और उसके क्योंकि उस किसान के पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान का जो भाव है वो भाव अलग से देखने को मिलता है, और तब किसान की समाज में बहुत ज्यादा मान मर्यादा थी, किसान का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। लेकिन आज क्या हो चुका है, छोड़ उसे मंजदार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लेकिन आज उसे समस्याओं के छोड़कर हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, आंधी तूफान आ जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से उस किसान को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचा जाती। कागजों पे कुछ अलग से देखने को मिलेगा, सरकार की तरफ से कुछ अलग से गतिविधियां करते हुए दिखाई जाएंगी, लेकिन उस किसान तक उसका वास्तविक जो हक है, जो होना भी चाहिए, वो उसे उस किसान तक नहीं पहुंच पाता, वो उसे नहीं प्राप्त होता। क्योंकि आज के दौर में ये जो भ्रष्टाचारी फैली हुई है, ये बीच बीच में कहीं पर, अगर मान लीजिए सरकार ने किसान के लिए 5,000 या 10,000 एक एकड़ के लिए पास भी कर दिए, पहली बात तो इतने पैसे पास ही नहीं करती सरकार, अगर फिर भी किसी दबाव से या वोटों के लालच में आकर सरकार ऐसा कर भी देती है तो क्या होता है, वो बीच के जो एक तरह से जो दलाली का काम करते हैं,
जो ऑफिसर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस किसान तक उसके वास्तविक हक को नहीं पहुंचने देते। ये समस्या पहले भी थी और आज भी एक किसान के लिए अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना उस किसान को पहले भी वो किसान करता आया है, आज भी कर रहा है और आगे भविष्य में भी किसान करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये जो संसार के लोग हैं, ये संसार, कवि कहता है कि ये संसार के लोग जिस किसान को अपनी खेती पर, अपने खून पसीने की मेहनत पर, जिस किसान को गर्व महसूस होता था, आज उस किसान को इस संसार के लोगों ने दरकिनार कर दिया है। उस किसान को आज समस्याओं के बीच में छोड़ दिया है और उस किसान का ये मजाक उड़ाते हैं, उसे तरह तरह से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, और उस किसान की जो स्थिति है, उस किसान की स्थिति कैसी होगी, उस किसान की स्थिति तो ऐसी बन गई जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह जाता है। संसार कगार सदृश बह खिसका, और इस तरह से उस किसान की स्थिति तो ऐसी बन गई है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह जाए और संसार के लोग भी उसका साथ छोड़कर दूर खड़े होकर उस किसान का क्या करते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता, सिर्फ क्या करते हैं, उस किसान का जो सहयोग है, जो साथ है, वो छोड़ देते हैं। राजनीतिकरण ज्यादा करते हैं, अपना निजी स्वार्थ लोग निकालने की कोशिश करते हैं। आपने देखा भी होगा 26 जनवरी को किसानों को किस तरह से बदनाम किया गया। अभी आज ही न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई थी एक लड़की के साथ जो गलत कदम जो उठाया गया है, और वो कोरोना की वजह से उस लड़की की मौत भी होगी। लेकिन पूरा का पूरा जो आरोप है, पूरा का पूरा आरोप मीडिया ने भी, सरकार भी किस पर लगा रही है, किसानों पर। ये जांच से ही तो पता चलेगा कि जो उस लड़की के साथ जो भी गलत हुआ वो किसानों ने किया, किसान के बेटों ने किया, या सरकार के मिलीभगत थी, सरकार के कोई शरारती तत्व थे, या कोई अन्य शरारती तत्व जो सामाजिक तत्व हैं, जो अन्य शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन आप अगर दैनिक भास्कर या पंजाब केसरी या दैनिक जागरण पढ़ोगे तो उसमें ये खबर, आप अच्छे से इसको भलीभांति पूर्वक पढ़ना। ठीक है, तो ये इस कविता का, इस काव्यांश का, इस पद का सारांश है। ठीक है भाई, इसकी व्याख्या है पूरी की पूरी। अब इसका विशेष देख लीजिएगा। विशेष में सर्वप्रथम तो कवि ने किसान की आंखों में पीड़ा, निराशा, उसकी गरीबी के दर्द को देखा है। उसी को कवि ने प्रकट किया है। ठीक है, और इस तरह से दूसरी जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, संसार की हृदयहीनता का चित्र भी कवि ने अच्छे से प्रकट किया है। और इस तरह से स्वार्थी संसार के लिए कवि ने क्या नाम दिया है, स्वार्थी संसार के लिए कवि ने कगार, कवि ने क्या नाम दिया, कगार। कगार मीन्स किनारा। ठीक है, तो कगार की उपमा दी है कवि ने। दारुण दैन्य दुख अनुप्रास अलंकार है, नीरव रोदन में भी अनुप्रास अलंकार है, और स्वाधीन किसान में अनुप्रास अलंकार है। संसार कगार में रावण की आवृत्ति से अंत में जो रावण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार देखने में। को मिलता है। और ये क्या है,
किसान की निराशा को इसमें उजागर किया इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने। ठीक है भाई, प्रसाद गुण विद्यमान है पूरे काव्यांश में और मात्रिक छंद का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति का सारा लिया गया है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति का सारा कैसे, जैसे अंत में भी बताया रे कि जो संसार के लोगों ने किसान को इस प्रकार से मंझधार में छोड़ दिया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह जाता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार की से इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हो गया, लक्षण शब्द शक्ति का। और चित्रात्मकता है, दृश्य बिंब है, क्योंकि ये सभी कुछ हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में ये घटनाएं होते हुए हम देखते हैं। ठीक है, और देख भी रहे हैं। और पूरे पद में अगर बात करें तो कवि ने खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया है। कौन सी बोली का प्रयोग किया कवि ने, खड़ी बोली का। ठीक है भाई, ये इस पद की व्याख्या थी। आप दूसरे पद पे चलें। लहराते वे खेत द्रिगो में, लहराते वे खेत द्रिगो में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आंखों ही में गुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है, तृण तृण से के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब द्रिगो, द्रिगो क्या होते हैं, जो नेत्र होते हैं, द्रिग, द्रिग मीन्स नेत्र, द्रिगो नेत्रो, बेदखल, बेदखल होता है कि हिस्सेदारी से अलग कर देना, तृण तृण से, तृण तृण का मतलब होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तृण तृण का मतलब हो गया तिनके तिनके से, कारकुन, कारकुन, कारकुन किसके लिए प्रयोग किया है कवि ने, कारकुन जमींदार के कारिंदों के लिए प्रयोग किया है, किसके लिए प्रयोग किया कवि ने, कारकुन जमींदार के कारिंदों के लिए, क्योंकि ये किसान से लगान आदि वसूल करने का काम करते हैं, ये बदमाश एवं निर्दयी व्यक्ति होते हैं और जमींदार के इन कारिंदों ने किसान के बेटे को भी पीट पीट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि उन्होंने जमींदार का लगान नहीं चुकाया था, वो जमींदार का लगान चुकाने में असमर्थ हो गए थे, इसलिए इन कारिंदों ने अपने डंडों से लाठियों से उस किसान के बेटे को पीट पीट कर मार डाला था। ठीक है भाई, इस पूरे पद में भी लक्षण शब्द शक्ति का कवि ने सारा लिया है। ठीक है, तो देखिए कवि क्या कहते हैं इस काव्यांश में, इस पद में कवि ने क्या बताया है, इस काव्यांश में कवि ने जमींदारी के, जमींदारों के शोषण की मार झेलने वाले जो किसान है, उस जमींदार के शोषण की मार से मार झेलने वाले किसान की दैन्य दशा का सुंदर चित्रण किया है कवि ने इस काव्यांश में। ठीक है, तो देखिएगा इस काव्यांश की व्याख्या देख लीजिएगा कि लहराते हुए खेत द्रिगो में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। अब देखिए कवि ने किसान की दैन्य दशा के संदर्भ में बताते हुए कहा है कि लहराते हुए खेत द्रिगो में, कि किसान अपने उन लहलाते खेतों के चित्र को अपनी आंखों में संजोए हुए है, अपनी आंखों में चित्रित किए हुए है, अपनी आंखों में लिए हुए है, कौन लिए हुए अपने लहलाते खेतों के चित्रों को, किसान, कि किसान अपने खेतों के चित्रों को जो खेत लहरा रहे हैं जिनमें अच्छी फसल, जो फसल है, फसल उगी हुई है और वो लहरा रही है, वो फसल उस लहलाते खेतों के चित्र को कवि अपनी आंखों में लिए हुए है और इससे कवि क्या करता है, हुआ बेदखल हुआ अब जिनसे, लेकिन अब जो किसान है उस किसान ने अपने खून पसीने से अपने खेतों को
अच्छे से सिंचित किया था, अपनी फसल को अच्छे से उस फसल का पैदाइश किए थे, लेकिन अब वो किसान उन खेतों से, उस किसान को उन खेतों से क्या कर दिया, उन खेतों से उस किसान को बेदखल कर दिया। आधार कहने का तात्पर्य ये है कि जमींदार ने वो लहलाते खेतों को किसान से अब क्या कर लिया, छीन लिया, किसान से छीन लिया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, और इस तरह से किसान इस तरह से क्या था, लहलाते खेतों में खड़ी जो फसलों के तिनके तिनके में किसान के जीवन की हरियाली साफ देखने को मिलती थी, क्योंकि किसान अपने तिनके तिनके को देखकर अब जो उसके खेतों में जो फसल थी, जो खड़ी फसल थी, उस खड़ी फसल के तिनके तिनके को देखकर किसान बड़ा खुश था। कहने का भाव है कि लहलाते खेत ही किसान के जीवन के विकास और खुशी का आधार थे। ठीक है, और बाकी करेंगे कल, यहाँ तक कर लीजिएगा, बाकी कल करेंगे। ठीक है भाई, अब आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। हाँ भाई, मयंक, रमन, तान्या, मयंक अग्रवाल, मयंक भाई पूछना कुछ इसमें से। हाँ जी, जोगिंदर, जोगिंदर सर। हाँ जी सर, एंड द मीटिंग ओवर कर देना सर। ओके। हाँ, ओवर कर, ठीक है सर।